हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बच्चों, आज हम प्रूफ दैट करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में बच्चों ये दे रखा है, आपको बच्चों टेन थ्री ए इक्वल टू वन आना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम इस पाई बाय थ्री को लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसको लिख लिया 60 डिग्री। ठीक, और टू पाई बाय थ्री इसे लिख सकते हैं बेटा हम 120 डिग्री। तो बेटा यहाँ लिख लिया हमने 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये टेन ए लिखा, ये प्लस। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन। तो बेटा आप इसे ए पढ़ लो और इसे बी पढ़ लो और फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कहता है टेन ए, टेन ए की जगह बेटा 60 डिग्री, प्लस टेन बी, बी की जगह बेटा आपको ए दे रखा है, ऐसा हो गया वन माइनस टेन ए की जगह बेटा 60 डिग्री और टेन बी, बी की जगह आपको ए लेना है। तो इस तरह हो गया। ठीक है, अभी हमने बेटा सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे टेन ए प्लस बी का। पहले वाले को ए और बाद वाले को बी पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं टेन ए की जगह बेटा 120 डिग्री प्लस टेन बी, बी की जगह बेटा ए लेना है, वन माइनस टेन 120 डिग्री टेन ए। ठीक है, और इक्वल टू में बच्चों 3 है। ठीक है, ये बेटा टेन प्लस टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो बेटा यहां लिख लेते हैं √3 प्लस टेन अपॉन वन माइनस टेन 60 डिग्री की जगह √3 और ये बेटा टेन। ये प्लस टेन 120 डिग्री, टेन 120 डिग्री की वैल्यू होती है -√3। तो बेटा यहां से हम लिख लेते हैं -√3 प्लस टेन अपॉन वन माइनस, अब देखिए -√3 यहां रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये बेटा टेन है। ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू 3। अब बेटा यहां लेंगे हम एलसीएम, ये लिख लेते हैं टेन ए प्लस। अब बेटा एलसीएम में ये दोनों अलग अलग है, दोनों ही एलसीएम में आएंगे, तो इसे लिख लेते हैं वन माइनस रूट थ्री टेन ए, वन प्लस रूट थ्री टेन ए। अब बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका बेटा आपको इसमें करना है मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं √3 टेन ए, इसमें बेटा इसका मल्टीप्लाई वन प्लस √3 टेन ए। ठीक है, अब ये प्लस साइन, अब बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लेते हैं माइनस √3 प्लस टेन ए और ये वन माइनस √3 टेन और इक्वल टू में 3 ये। ठीक है, अब बच्चों आप यहां लगा सकते हो फॉर्मूला, कौन सा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ए इसे बी पढ़ लो, इसे ए इसे बी, देखिए फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला कहता है ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस बी का स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब बेटा इसको सॉल्व करके भी लिख लो, देखिए वन का स्क्वायर वन, √3 का स्क्वायर 3 और ये बेटा हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब
अगली स्टेप में बेटा हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, 1 - 3 tan² a। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बेटा tan a प्लस, सबसे पहले बेटा रूट थ्री का इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूट थ्री का 1 में मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस रूट थ्री का रूट थ्री में मल्टीप्लाई 3 और ये बेटा tan a। ठीक है, अभी बेटा हमने सिर्फ रूट थ्री का इन दोनों में मल्टीप्लाई करा, अब बच्चों tan a का करेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो tan a का 1 में मल्टीप्लाई tan a प्लस tan a का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री tan स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस माइनस रूट थ्री का बेटा 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री, अब माइनस रूट थ्री का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, रूट थ्री का 3 में मल्टीप्लाई 3 और ये बेटा tan a। ठीक है, अब बच्चों हम इस tan a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो tan a का 1 में मल्टीप्लाई tan a प्लस माइनस हो गया माइनस रूट थ्री और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a और इक्वल टू में बच्चों ये 3 और बेटा इसका आपने मल्टीप्लाई करा अपॉन में ये है 1 - 3 tan² a। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का रूट थ्री है, ये माइनस का रूट थ्री है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बेटा प्लस का है और ये बच्चों माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास बचा देखिए ये 3 tan a और ये 1 tan है, हो गए 4 tan। ठीक है, और इधर से भी बेटा आपको मिल रहे हैं 4 tan। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 8 tan, ऊपर 8 tan हो गया, ये tan a प्लस ये हो गए 8 tan, 8 tan और अपॉन में 1 - 3 tan² a और इक्वल टू 3। अब बेटा यहाँ हम लेंगे एलसीएम, देखिए 1 - 3 tan² a एलसीएम इक्वल टू में 3 है। ठीक है, अब बेटा सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कीजिए, आंसर बच्चों सेम पद के आएगा। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा tan a 1 - 3 tan² a, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों 1 का इसमें कर लो, ये प्लस 1 का इसमें करोगे तो 8 tan। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे tan a का 1 में तो ये हो जाएगा tan a, ये माइनस tan a का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 3, ये 2 पावर और 1 पावर हो गई बेटा 3 पावर और ये प्लस 8 tan और ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 8 tan है और 8 tan है कितने हो गए 9 tan, तो लिख लेते हैं 9 tan a, ये बेटा माइनस 3 tan a की पावर 3 और अपॉन 1 - 3 tan² a इक्वल टू 3। अब बेटा यहां से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यदि 3 आप कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में बचेगा 3 tan a माइनस, यहां से 3 कॉमन तो यहां बचेगा tan a की पावर 3 और अपॉन 1 - 3 tan² a और इक्वल टू में 3 है। अब बच्चों ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये बेटा फॉर्मूला होता है tan 3a का और इक्वल टू में बेटा 1 है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।